हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 10वां वीडियो है, और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे उप सहज संयोजन यौगिक चैप्टर के पाठ्य निहित प्रश्न। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यूनिट नंबर 9 है, उस यूनिट नंबर 9 में हमने पढ़ा था उप सह संयोजक यौगिकों के बारे में। और बेटे उप सह संयोजक यौगिक भी आप कह सकते हो और उप सह संयोजन यौगिक भी कह सकते हो। तो इस चैप्टर के जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं एनसीईआरटी की बुक में, उनके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे पाठ्य निहित का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये लिख रखा है बेटे पाठ्य निहित का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। हमें ये बेटे नाम दे रखे हैं कुछ आईयूपीएसी नाम, और इन आईयूपीएसी नाम की हेल्प से हमें बनाने हैं इनके फार्मूले। मैंने आपको सिखा रखा है, आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में कि किस तरीके से हम सूत्र इनके बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है बेटे टेट्रा एमीन। टेट्रा माने चार और एमीन माने NH3। तो यहां से लिख रहा बेटे, ये लिख दिया मैंने NH3 कितने हैं बेटे हमारे पास, चार, ये लिख दिया टेट्रा एमीन। डाई एक्वा, एक्वा माने H2O है कितने, दो। आप H2O को इधर लिख देते या इधर लिख देते एक ही बात है, H2O कितने हैं, डाई माने दो हैं। कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, तो यहां लिखोगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा 3, तो मैं ऊपर लिख दूं इसके +3 जिससे हमें हेल्प मिल जाए। तो ये तो हुआ ब्रैकेट वाला हिस्सा, और बाहर है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl। अब हमारे सामने यहाँ समस्या आती है कि हमें Cl के नीचे क्या लिखना चाहिए, ये एक्स की जगह क्या लिखना चाहिए हमें। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। H2O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। तो आपको पता है कि ये प्लस का 3 है, तो प्लस के 3 को कैंसिल करने के लिए इसे माइनस का 3 होना पड़ेगा, और आपको पता है Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो बेटे x की जगह क्या आना चाहिए बताओ, x की जगह क्या आना चाहिए, x की जगह आना चाहिए 3, x की जगह 3 आना चाहिए। तो हम x की जगह लिख देंगे 3। अब देखो माइनस के 3 और प्लस के भी 3, कुल मिला के टोटल आवेश कितना हुआ, 0। ठीक है बेटे, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। देखो चलो सेकंड पार्ट देखो, इन्होंने कहा है पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट सेकंड। पोटेशियम है तो ये लिख दिया के, पोटेशियम। फिर उसके बाद है टेट्रा साइनो, यानी कि CN है कितने, चार, टेट्रा माने चार ही तो होता है। निकिलेट यानी केंद्रीय धातु परमाणु है निकिल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, सेकंड कहा तो +2 लिखूंगा। अब देखो यहां भी समस्या है कि के नीचे जो एक्स है उस एक्स की जगह हमें क्या लिखना चाहिए। देखो साइनाइड के ऊपर आवेश होता है -1, यानी कि साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो बेटे 4 एकम 4, माइनस के 4 हैं प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 को खत्म करने के लिए इसे कितना होना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है ना, तो इसे होना पड़ेगा प्लस के 2। तो इसलिए एक्स की जगह क्या आना चाहिए, एक्स की जगह आना चाहिए 2, क्या आना चाहिए बेटे, 2। तो ये बन जाएगा K2NiCN4, ये फार्मूला बना K2NiCN4। ठीक है बेटे, अब आ जाओ नेक्स्ट तीसरे पे, ट्रिस इथेन 1,2-डाईईन, यानी कि EN लिख दूं, ट्रिस माने 3 है, ये लिख दिया होल थ्राइस। क्रोमियम थर्ड
क्लोराइड। क्रोमियम माने यहाँ है Cr, ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और क्लोराइड है तो ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा Cl, और Cl के नीचे यहाँ X। अब देखो जरा ध्यान से बेटे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। तो मुझे एक बात बताओ आप, और Cl की कितनी होती है? -1। तो प्लस के 3 को खत्म करने के लिए इसे -3 होना पड़ेगा, और -3 होना पड़ेगा तो एक्स की जगह क्या आना चाहिए? एक्स की जगह आना चाहिए 3। अब देखो जरा, -3 और +3, तो ये बनेगा हमारे पास सी आर ई एन का होल थ्राइस, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है Cl3। अब आ जाओ नंबर 4 पे, एमीन ब्रोमाइडो क्लोरो नाइट्राइटो एन। एमीन तो ये लिख दिया, लो एमीन एक ही तो है, ब्रोमाइडो ये भी एक है, क्लोरो ये भी एक है, क्लोरो कह दो या क्लोराइडो कह दो एक ही बात है, नाइट्राइटो एन का मतलब नाइट्रो है बेटे, नाइट्रो है तो NO2 भी लिख दिया लो। प्लेटिनेट सेकंड, यानी कि यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर है सेकंड, यानी +2, ये लिख दिया +2। अब बताओ मुझे, ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा तो इन्होंने दिया ही नहीं, जिसे आप कहते हो आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। अब हमें देखना है कि NH3 की ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होती है, Br की होती है -1, Cl की भी होती है -1, और NO2 की भी होती है -1। मैंने NO2 की ऐसे पता करी है, NO2 का एक यौगिक सोचा है अपने दिमाग में HNO2, और यदि आप HNO2 की बात करोगे तो HNO2 को जब आप आयनों में तोड़ोगे तो H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव आता है, तो NO2 के ऊपर होता है एक इकाई ऋणावेश, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी -1 होगी। क्योंकि मैं बार बार आपको एक बात बताता हूं कि किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, ठीक है बेटे? किसके बराबर? आवेश के बराबर। अब देखो ध्यान से, प्लस के तो 2 हो गए, और माइनस के कितने हो गए? 3। तो -3 और +2, तो -1 बचेगा, इसका मतलब इस पूरे के ऊपर यहाँ ब्रैकेट के ऊपर एक इकाई ऋण आवेश आपको लिखना है, ठीक है बेटे? ये जो ऊपर ऑक्सीकरण संख्या हम लिखते हैं ना, इन्हें बहुत छोटा छोटा लिखना चाहिए, या फिर कच्ची पेंसिल से लिखना चाहिए, ठीक है? मतलब आपका सूत्र तो ये बनाना, ब्रैकेट के अंदर PtNH3BrClNO2। अब आ जाओ आप नंबर 5 पे, यदि आप नंबर 5 पे देखते हो तो डाई क्लोरो है, डाई क्लोरो है, तो मैं लिख दूंगा Cl2। 20 इथेन 1 2 डाईन, यानी कि इथेन 1 2 डाईन है 2, 20 माने 2 ही तो होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी दे रखी बेटे +4, और नाइट्रेट यानी कि इसके बाद बाहरी हिस्सा है NO3। क्या है बेटे? NO3। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, देखो Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, इसकी होती है 0, और इसकी होती है -1। HNO3 को तोड़ के देखा मैंने, HNO3 को तोड़ के आपको पता चलेगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब देखो प्लस के तो 4 हैं, और माइनस के कितने हैं देखना जरा, माइनस के हैं ये -2 और -1, या फिर आप इस ब्रैकेट को देख लो, चलो प्लस के तो 4 हैं और -2 हैं, तो यहाँ +2 हैं, तो +2 को खत्म करने के लिए इसे -2 होना पड़ेगा, ये तो -1 है अकेला, तो क्यों ना इसका हम होल ट्वाइस कर दें। यदि इसका आपने होल ट्वाइस कर दिया, एक्स की जगह 2 लिख दिया, तो -2 हो गए और -2 ये हो गए, -4 और +4 को खत्म कर देंगे, यानी कि कुल आवेश कितना बचेगा यहाँ? कुल आवेश बचेगा 0, ठीक है बेटे? अब आ जाओ आप नंबर 6 पे, आयरन थर्ड। ध्यान से देखना है सब बच्चों को, आयरन थर्ड ये कुछ अलग चीज है, ऐसा मैंने पहले भी कराया था आपको, एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा +3। हेक्सा साइनो, साइनाइड है, हेक्सा माने कितने होते हैं बेटे? 6। हेक्सा साइनो कह दो या साइनाइडो कह दो एक ही बात है, बाद में ओ आना चाहिए, जो ऋण आयनिक लिगेंड्स होते हैं या ऋणावेशित लिगेंड्स होते हैं उनके बाद में बेटे ओ आना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी। आप इसे साइनाइडो भी लिख सकते हो या साइनो भी लिख सकते हो। फेरेट सेकंड, यानी कि यहाँ Fe है और ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब देखो इस यौगिक को देखो कि इसमें हमें क्या समझना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ बेटे,
सीएन की आपसी कर्ण संख्या -1 होती है ना, जब -1 होती है तो हमें पता चला है कि माइनस के तो 6 हैं और प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 6 और प्लस के 2 तो माइनस के 4, इसके ऊपर आवेश है माइनस के 4, इसके ऊपर आवेश है प्लस का 3, तो किस तरीके से मैं इसे उदासीन करूं, इधर 4 है इधर 3 है, तो बढ़िया तरीका यह है कि इसे ब्रैकेट में बंद करो, यहाँ 4 लिखो और ये तो ब्रैकेट में बंद है ही, यहाँ 3 लिखो, तो हमने यहाँ 4 लिखा है और यहाँ क्या लिख दिया है 3, अब सब संतुलित है, देखो 4 3 12, 12 इकाई धनावेश, और इसके ऊपर कितना था, इसके ऊपर कितना था, माइनस का 4 था ना, देखो माइनस के 6 और प्लस के 2, माइनस का 4 और 4 3 12, ये माइनस का 12 इकाई ऋणावेश है और ये 4 3 12 प्लस का 12 इकाई क्या है, धनावेश है। तो इस तरीके से बेटे पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके कि वे क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम दे देते हैं और आईयूपीएसी नाम से आपको कहते हैं कि आप सूत्र लिख के बता दो क्या बनेगा। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, हमें बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब हमें बेटे इन्होंने सूत्र दिए हैं और हमें लिखने हैं इनके आईयूपीएसी नाम। देखो सबसे पहले, देखो आप सबसे पहले यौगिक दे रखा CONH3O6Cl3। सबसे पहला काम तो आप एक करो कि Cl की आपसीकरण संख्या -1 होती है, NH3 की 0 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 3 एकम 3, माइनस के 3 को खत्म करने के लिए सीओ को होना पड़ेगा प्लस का 3, तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पहले ही निकाल के रख लिया मौखिक रूप से। वैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या आप किस प्रकार निकाल सकते हो। देखो बेटे अब हमें देखना है कि पहले इसका नाम लिखना है, ये धनायन है, जो उपसह संयोजक सत्ता है वो धन आयन है, इसका नाम लिखना है, तो 6 तो है इसमें एमीन, हम लिखेंगे हेक्सा एमीन, 6 का मतलब हेक्सा ही तो लिखोगे आप, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, 3rd, तो रोमन पद्धति में हम लिखेंगे 3rd, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd, और ये बाहर क्या है क्लोराइड, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब आ जाओ आप इस पे सेकंड पे, सेकंड में आपको बताया कि सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर -1, NH3 का 0, तो माइनस के तो 2 ये हो गए और माइनस का 1, माइनस के 3 को खत्म करने के लिए कोबाल्ट को +3 होना पड़ेगा, हमने पहले इसकी आक्सीकरण संख्या यहाँ लिख ली क्योंकि हमें जरूरत पड़नी वाली है, 5 तो है एमीन ए से शुरू होता है, 1 क्लोराइडो है सी से शुरू होता है, तो पहले ए वाले को लिखूं या सी वाले को, तो आप कहोगे कि सर ए बी सी डी में ए पहले आता है, तो पहले ए वाले यानी एमीन को लिखो, कितने एमीन है 5, तो हम लिखेंगे यहाँ बेटे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन हो गए और ये हो गए क्लोराइडो, या क्लोरो भी लिख सकते हो आप, बाद में ओ आना चाहिए बस, पेंटा एमीन क्लोराइडो, ये है कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 3rd, और बाहर क्या है क्लोराइड। ठीक है बेटे अब आ जाओ इससे तीसरा, K3Fe-CN6, के का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सीएन का -1 होता है, प्लस के 3 है और माइनस के 6 हैं, तो जब माइनस के 6 और प्लस के 3 हैं तो माइनस के 3 ही तो बचेंगे, और माइनस के 3 को खत्म करने के लिए Fe को होना पड़ेगा +3, तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखो आप पोटेशियम, पोटेशियम। अब आ जाओ यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितने हैं ये हेक्सा, कौन है साइनो, साइनो कह दो या साइनाइडो कह दो एक ही बात है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, आपको पता है ना 8 क्यों लगाया है मैंने, जब किसी उपसह संयोजक यौगिक में ब्रैकेट बाद में होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये एक ऋणायनिक संकर है, और ऋणायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 का हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमने फेरेट का प्रयोग किया है और ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 3rd, तो ये हुआ इसका आईयूपीएसी नाम पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 3rd। अब आ जाओ इससे, इसमें आप देखोगे कि के का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ऑक्सीलेट का होता है -2, मैंने पहले भी आपको सिखाया है, तो
कि ऑक्सीलेट आप इसे ही तो लिखते हो C2O4 2 नेगेटिव, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C00 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C00 नेगेटिव। ये जो है यही है बेटे ऑक्सीलेट, क्या है ऑक्सीलेट आयन है, इसके ऊपर दो इकाई ऋणावेश होता है, तो इसलिए मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिखा है। तो देखो 3 दूनी 6, माइनस के तो 6 हैं और 3 एकम 3, प्लस के 3 हैं, तो माइनस के 6 और प्लस के 3, तो माइनस के 3 ही तो बचेंगे, और माइनस के 3 को खत्म करने के लिए इसे होना पड़ेगा +3। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो लिखो आप पोटेशियम, ये लिख लिया हमने पोटेशियम। अब आ जाओ इसमें ब्रैकेट में, कितने हैं ट्राई, क्या है ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, और ये क्या है फेरेट, ब्रैकेट बाद में है तो 8 लगाऊंगा मैं, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है थर्ड। अब आ जाओ इस पे नंबर 5, के की आक्सीकरण संख्या +1 होती है क्योंकि पहले वर्ग का है, जहां भी पोटेशियम आ रहा पहले वर्ग के हैं। आपको पता फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एच एल आई एन ए के आर बी सी एस और एफ आर, ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन से ग्रुप के बेटे, फर्स्ट ग्रुप, और जब ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनकी सबकी बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और बेटे जब सबकी बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे भाई, 7 लेने से तो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपना, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इनके ऊपर आवेश आ जाएगा +1, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है इन सबका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर, सामान्य आक्सीकरण अवस्था +1 दिखाते हैं। तो के की आक्सीकरण संख्या +1 होती है, सीएल की होती है -1। आपको पता है यदि आप 17वें ग्रुप की बात करो, 7th ग्रुप की, 7th कह दो या 17th कह दो, एक ही बात है, 7वां ग्रुप था पुरानी आवर्त सारणी में और 17वां ग्रुप है नई आवर्त सारणी में, तो ये भी मैंने आपको सिखा रखा, फूल कली बाहर आई, ठीक है, और अटपटी, फूल कली बाहर आई अटपटी सिखा रखा है बेटे, और ये भी सिखा रखा है ली ना की रूबी से फ्रेंड्स, और फूल कली बाहर आई अटपटी। इनकी सबकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी सबकी बाहरी कक्षा में बेटे जब 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 8 करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ही तो, और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे इनके ऊपर आ जाएगा एक इकाई ऋण आवेश, इसलिए हम हमेशा मानते हैं कि जितने भी हेलोजन हैं उनकी आक्सीकरण संख्या -1 होती है, सामान्य आक्सीकरण संख्या। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ आ जाओ, यहाँ प्लस के तो 2 हैं और माइनस के कितने हैं 4, तो बताओ माइनस के 2 बचेंगे नहीं, और माइनस के 2 को कैंसिल करने के लिए इसे कितनी आक्सीकरण संख्या दिखानी पड़ेगी, +2। अब इसका नाम लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, ये लिख दिया हमने पोटेशियम, 4 है, 4 को हम कहते हैं टेट्रा, और सीएल है क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख दोगे जब भी ठीक है, ये क्या है पैलेडियम, पर 8 लगाना तो पैलेडिएट, पैलेडिएट ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 2nd, तो ये हो गया नाम, क्या नाम हुआ बेटे, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडिएट 2nd। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, ये है हमारे पास PtNH3 होल ट्वाइस Cl एंड NH2CH2 और ब्रैकेट के बाद Cl। आप इसकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी 0 होती है, इसकी -1 होती है। अब मुझे ये बताओ -1 और -1 कितने हुए, -2, और -2 को कैंसिल करने के लिए इसे +2 होना पड़ेगा, लो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका निकल गया। अब इसके बाद लिगेंड्स कितने हैं, 1 2 3 तरह के लिगेंड्स हैं, ये तो एमीन है, एमीन ए से शुरू होता है, ये है क्लोराइडो सी से शुरू होता है, ये है मिथाइल एमीन, CH3 को मिथाइल ही तो कहते हो आप, मेथिल हिंदी में लिखना हो तो मेथिल, वैसे इसका नाम मिथाइल है, मिथाइल एमीन। तो ए वाला पहले लिखो, फिर सी वाला लिखो, फिर एम वाला लिखो, ABCD में ए पहले आता है, सी उसके बाद में आता है, और एम आता है इनके सबसे बाद में। तो पहले यूं बताओ एमीन कितने हैं, 2 हैं, तो हम लिखेंगे डाई एमीन, लिख दिए, ये है क्लोराइडो, क्लोराइडो
क्लोराइडो को आप क्लोरो भी लिख सकते हो, यह है मिथाइल एमीन, ब्रैकेट में लिख दूं क्योंकि कुछ अलग तरह का लिगेंड है ना, मिथाइल एमीन। अब प्लेटिनम है, प्लेटिनम प्लेटिनेट नहीं लिखा इसे हमने, प्लेटिनम लिखा क्योंकि ब्रैकेट पहले आया हुआ है, धनायनिक संकर है। धनायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय किसी भी हम अनुलग्न का प्रयोग नहीं करते हैं, सामान्य नाम लिखते हैं, जैसे इसका सामान्य नाम प्लेटिनम है, पर यदि ब्रैकेट बाद में होता है तो ऋणायनिक संकर होता है वो यौगिक, और उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में एट लगाते हैं, जैसे यहाँ लगाया प्लेटिनेट, देखो ब्रैकेट बाद में लगाया फेरेट, ये देखो ब्रैकेट बाद में है लगाया फेरेट, यहाँ ब्रैकेट पहले है तो कुछ नहीं लगाया होगा, कोबाल्ट ही लिख रखा, देखो क्या लिख रखा, कोबाल्ट। इस चीज को समझना पड़ेगा, डाई एमीन क्लोराइडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, यहाँ प्लेटिनम का सेकेंड है, ये लिख दिया सेकंड, और ब्रैकेट के बाहर कौन है, क्लोराइड, क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर को लिगेंड्स की तरह नहीं लिखना है कभी, आप क्लोराइडो लिख दो। तो ये हुआ बेटे डाई एमीन क्लोराइडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे पाठ्यनिहित का तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम, निम्नलिखित संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बताइए तथा इन समावयवों की संरचनाएं बनाइए, कि उसके जो समावयव आपको पता हैं उनकी संरचनाएं भी बनानी है। जैसे नंबर एक दिया है इन्होंने KCr H2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस। अब जब हम इस फार्मूले को देखते हैं तो इस फार्मूले में पता चलता है कि दो तो एक्वा हैं और दो हैं ऑक्सीलेटो, यानी कि दो दो ग्रुप का यहाँ जोड़ा बन रहा है। जब दो दो ग्रुप या लिगेंड्स का जोड़ा बन रहा है तो हम समझ जाना चाहिए हमें कि यहाँ मिलेगी आपको ज्यामितीय समावयवता, क्योंकि ज्यामितीय समावयवता में आपको एक बात बताई थी कि सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस फॉर्म, जिसे आप कहते हो संपर्क रूप, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांसफॉर्म, जिसे आप कहते हो विपक्ष रूप। तो हमें पता है कि दो दो का जोड़ा है तो नंबर ए पे तो हमने लिखा कि इस यौगिक में मिलेगी ज्यामितीय समावयवता, जिसे हम कह सकते हैं समपक्ष विपक्ष समावयवता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और उनकी संरचनाएं बनाई। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, दो ऑक्सीलेट C2O4 को OX से लिख सकते हैं ना, हम पहले भी मैंने लिख के दिखाया है, ये सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये तो हो गया सिस फॉर्म या संपर्क रूप। और आवेश कितना है इसके ऊपर, -1, क्योंकि देखो के ऊपर +1 होगा तो ब्रैकेट के ऊपर -1 होगा, तो आप पूरा ब्रैकेट बना सकते हो, ऐसे पूरा ब्रैकेट बना के उसके ऊपर माइनस लगाना हो तो भी वही बात है, और इतना सा हिस्सा बना के इसके ऊपर माइनस लगाना हो तो भी वही बात है। अब देखो यहाँ तो सेम ग्रुप दोनों ऑक्सीलेट सेम साइड हैं, दोनों H2O सेम साइड हैं, यहाँ देखो अपोजिट साइड चले गए, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म, इस पे भी -1 आवेश हमने दिखाया है। तो एक तो ज्यामितीय समावयवता हमें देखने को मिलती है इस फार्मूले में या इस उपसह संयोजक यौगिक में। पर बेटे मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि जो सिस फॉर्म होता है, जो समपक्ष रूप होता है, उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, वो असममित होता है, असंतुलित संरचना होती है, इसलिए संपर्क रूप या सिस फॉर्म जो है प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता भी दिखाता है। कैसे, देखो इसे जो का तू यहां लिख दिया मैंने, आवेश ये रहा -1, इसका बिल्कुल प्रतिबिंब रूप इधर बना दिया। देखो यदि आप ये बीच में एक मिरर मान के चलो, दर्पण मान के चलो, तो इसका इमेज ऐसा ही तो बनेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रकाशिक समावयवी हैं, या फिर आप कह सकते हो ध्रुवण समावयवी हैं, और प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, जिन्हें आप एनेंशियोमर्स भी कहते हो, क्या कहते हो, एनेंशियोमर्स। यदि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाई ओर घुमाता है तो इसे आप कहोगे डेक्स्ट्रो या प्लस फॉर्म, और इसे कहोगे लेवियो या माइनस फॉर्म। यदि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाई तरफ घुमाता है, यानी कि वामावर्त दिशा में, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक, तो
इसका मतलब इस यौगिक में आपको दो प्रकार की समावयवता देखने को मिलती हैं, एक तो ज्यामितीय समावयवता और एक इसके जो संपर्क स्वरूप है उसमें कौन सी समावयवता, प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट पे, देखो ये लिखा हुआ है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है CO(En) का होल थ्राई Cl3। तो यहाँ इस यौगिक को मैंने कई बार आपको पहले भी पढ़ाया है, इसमें इथाइलिन डाइअमीन कितने हैं, तीन हैं, तो प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता मिलेगी। देखो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है क्या, मिरर इमेज हैं, एनेंसोमर्स हैं, तो इसका मतलब इनमें से यदि एक को डी या प्लस फॉर्म में कहूंगा तो दूसरे को एल या माइनस फॉर्म कह सकते हैं, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी और वाम ध्रुवण घूर्णक समावयवी। आवेश हमने इसके ऊपर लगाया +3, क्योंकि सीएल के ऊपर -3 बैठेगा ना, -1, 3 एकम 3, माइनस के 3 को कैंसिल करने के लिए ब्रैकेट के ऊपर +3 आवेश आएगा। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा अगले क्वेश्चन करा रहा हूं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे इसका थर्ड पार्ट देखो, तीसरा पार्ट। CONH3 का होल 5 NO2 और ब्रैकेट के बाहर है NO3 का होल 2। ये भी आयन है और ये भी आयन है, तो इन आयनों की अदला बदली हो सकती है। इससे हमें पता चला है कि ये यौगिक दिखा सकता है आयनन समावयवता। कौन सी समावयवता दिखा सकता है बेटे? आयनन समावयवता दिखा सकता है, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या है, आयन है। तो हमने इसके दो आयनन समावयवी बनाए हैं, एक तो इसे ज्यों का त्यों लिख दिया है CONH3O5NO2 और बाहर लिखा है NO3 का होल ट्वाइस, और दूसरा बनाया है कि इसमें से एक NO3 अंदर ले गए और NO2 को लिया है बाहर। देखो एक NO3 अंदर, NO2 था ना, NO3 है, ये NO2 को हम लिया है बाहर, बाहर दो NO3 से एक बचा, तो ये दोनों बने हैं आयनन समावयवी। अब आ जाओ आप इसके फोर्थ पार्ट पे, PtNH3H2OCl2। अब इसे जब हमने देखा कि तो ये दोनों लिगेंड तो अलग अलग तरह के हैं, पर ये दोनों लिगेंड तो एक जैसे हैं। जब दो लिगेंड हमें एक जैसे मिल गए हैं, टोटल लिगेंड है इसके पास चार, उनमें से दो एक जैसे हैं, तो पक्की बात है ज्यामितीय समावयवता ये यौगिक जरूर दिखाएगा। तो हमने इसके दो रूप बनाए हैं, एक में तो दोनों सीएल एक तरफ रखे हैं उसे कहा संपक्ष या सिस फॉर्म, और एक में दोनों सीएल रखे हैं अपोजिट डायरेक्शन में इसे कहा विपक्ष या ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से हमारा पाठ्यनीति का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन में बेटे हमारे से पूछा गया था कि हम यौगिक आपको बताएंगे, आप इस यौगिक को समझकर देखो और बताओ कि यौगिक कौन सी समावयवता दिखाएगा, और उसके कुछ समावयवी भी बना के दिखाओ आप, उनकी संरचना दिखाओ आप कैसी है। तो हमने इस तरह पाठ्यनीति के तीसरे क्वेश्चन को हल किया है, और अब हम आ गए हैं बेटे पाठ्यनीति के क्वेश्चन नंबर 4 पर। पाठ्यनीति का चौथा क्वेश्चन है, इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3O5ClSO4 तथा CONH3O5SO4Cl। देखो दोनों को, Cl अंदर SO4 बाहर, SO4 अंदर Cl बाहर, बताओ ये दोनों आयनन समावयवी नहीं है क्या? इससे सल्फेट आयन मिल रहा है, इससे क्लोराइड, आयनन समावयवी हैं। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों आयनन समावयवी हैं, इन दोनों को आयनों में तोड़ के नहीं दिखाना है, इन्हें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि हाँ ये दोनों आयनन समावयवी हैं, इससे हमें कोई दूसरा आयन मिलता है और इससे कोई दूसरा आयन मिलता है, दोनों से अलग अलग प्रकार के आयन मिलते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। आ जाओ उत्तर पे, दो टेस्ट लगाए हमने, परीक्षण एक और परीक्षण दो। परीक्षण एक में क्या करा, ये पहला यौगिक है ये दूसरा यौगिक है, दोनों में BaCl2 का विलयन मिलाने पर, BaCl2 एक्वस का मतलब बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, दोनों में BaCl2 मिलाने पर केवल पहला यौगिक सल्फेट आयनों वाला सफेद अवक्षेप देता है। देखो पहला यौगिक है CONH3O5ClSO4, यही तो है पहला SO4 जिसमें बाहर है, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसकी क्रिया कराओगे तो यहाँ बनेगा BaSO4, भाई Cl2 तो SO4 की जगह आ जाएगा, ये आ गया देखो SO4 था, कौन आ गया Cl2, पर मेन चीज तो यह है बेटे BaSO4, तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, और जो दूसरा यौगिक है वो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कोई क्रिया कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब पहले टेस्ट में तो हमें पता चला कि पहला यौगिक देता है सल्फेट आयन, क्या देता है सल्फेट आयन, बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप से हमने इस बात को सिद्ध किया है।
दूसरे परीक्षण में हमने क्या करा, दोनों में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाने पर केवल दूसरा यौगिक क्लोराइड आयन वाला सफेद अवक्षेप देता है। तो हमने इस बार जैसे पहले बेरियम क्लोराइड मिलाया था, इस बार हमने सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाया है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाते हैं तो हमें पता चलता है पहले यौगिक ने तो सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से कोई क्रिया नहीं की है, जबकि दूसरे यौगिक ने, देखो AgCl बनेगा ना, दूसरे यौगिक ने सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनाया है। तो हमें पता चला है कि दूसरा यौगिक देता है Cl- आयन, पहला यौगिक देता है सल्फेट आयन। तो इसका मतलब पहले और दूसरे यौगिक ने अलग अलग तरह के सरल आयन दिए हैं। पहले ने सल्फेट आयन दिया है और दूसरे ने दिया है क्लोराइड आयन। और जब दो उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे हों जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु वे विलयन में अलग अलग प्रकार के आयन देते हों, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, आयनन समावयवी। इस तरीके से सिद्ध होता है कि ये दोनों यौगिक एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखेंगे बेटे हम पाठ्य निहित का पांचवा क्वेश्चन। इसमें कहा है, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN4-2 आयन प्रतिचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला NiCl4-2 आयन अनुचुंबकीय है। तो इन्होंने हमें दो संकुल आयन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटे? दो संकुल आयन, और इन दोनों संकुल आयनों की चुंबकीय प्रकृति इन्होंने हमारे से पूछी है कि इस चीज को सिद्ध कर दो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, संयोजकता आबंध सिद्धांत का हमें इसमें प्रयोग करना है। देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। देखो बेटे, आप सबसे पहले यौगिक देखो क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है नंबर 1। इस यौगिक पे हमें काम करना है। नंबर 1 मैंने डाल लिया NiCN4-2-। इस यौगिक पे काम करना है बेटे हमें। और आप इसमें देख लो बेटे, मैंने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत में समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या देखनी होती है कितनी है। तो हमें निकिल की ऑक्सीकरण संख्या लिख लो पहले, तो यहाँ निकिल की ऑक्सीकरण संख्या। मुझे यूं बताओ बेटे, मान लो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या एक्स है, ये लिख ली एक्स, प्लस 4 है साइनाइड, 4 है साइनाइड, और साइनाइड की होती है -1, पता है ना आपको। और पूरे के ऊपर आवेश कितना है, -2 आवेश है पूरे के ऊपर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2 और प्लस के 4 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू +2। इससे हमें पता चला है कि यहाँ निकिल की ऑक्सीकरण संख्या है +2। ठीक है, इस चीज को सुरक्षित करो कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब क्या करोगे आप, निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप बाउ नियम से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, कितना है, 28। 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 8 28। अब आपको बताया कि ऑक्सीकरण संख्या है +2, तो आपको क्या करना है, इसे सही कर लो बेटे थोड़ा सा। इसे हमें लिखना है निकिल, Ni निकिल 28। अब आपको क्या करना है बेटे, निकिल के ऊपर 2 इकाई धनावेश होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या +2 आई है। इसका मतलब इसमें से निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसमें देखोगे कि बाहरी कक्षा कौन सी है, बाहरी कक्षा यही तो है चौथी कक्षा, चौथी कक्षा बाहरी कक्षा है, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो। जब इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये तो बाद में लिख दूंगा, 0 हो गया, तो 3d8। हमें पता है कि चौथी कक्षा के s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, चौथी के p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है,
चौथी के डी में भी कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, चौथी के एफ में भी, पर वहां तक की हमें जरूरत नहीं पड़ने की है। अब आप इन कक्षाओं के क्या करो, ये जो उपकोष है इनके कक्षक बना दो आप डी में, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए। एस में एक कक्षक और पी में कितने कक्षक होते हैं, तीन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि लिगेंड कौन सा आ रहा है, कौन सा लिगेंड है, सी एन नेगेटिव है 4। तो नंबर 2 पे मैंने आपको सिखाया था कि आप लिगेंड देख लो कौन सा है, लिगेंड है हमारे पास सी एन नेगेटिव, और उसकी प्रकृति देख लो कैसी है। आपको बताया सी एन नेगेटिव है एक प्रबल लिगेंड, या आप लिख सकते हो प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और यदि यह एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इसकी खासियत यह होगी कि इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही बॉक्स में ले आएगा। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, युग्मित करेगा, युग्मित माने जोड़ों में कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और कहेगा कि मेरे लिए जगह खाली करो, क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड की यही खासियत होती है कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने पर मजबूर कर देता है और अपने आप जगह खाली करवाता है। आप देखो क्या होगा, NiCN4 टू नेगेटिव। बेटे इन्हें देखो, सिर्फ यहां लिख रहा मैं, एक तो 3D8 है, एक है 4S0 और एक है 4P0, यही तो है बेटे। क्या होगा, 1 2 3 4 5, एस में एक और पी में तीन, ध्यान से देखिए जरा, 1 2 ये दोनों बना दिए, 3 4 5 6, और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे, युग्मित। और जब ये युग्मित हो जाएंगे तो एक कक्षक खाली हो गया ना। अब आप यूं देखो कि कितने साइनाइड आने हैं, यहाँ यहाँ साइनाइड आने हैं 4, 4 ही तो हैं, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे। तो मैं अलग कलर की चौक यूज करूंगा इसे समझाने के लिए। देखो एक तो साइनाइड ही आ गया, 1 2 3 4, ये जो यहां से यहां तक के 4 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े आए हैं ना, ये बेटे 4 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े 4 साइनाइड आयनों के हैं, या 4 लिगेंड्स के हैं। किनके हैं, 4 लिगेंड्स के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन्हें अलग कलर के पेन से भरना। आपको यहां से ये साइनाइड आए ना 4, उपसह संयोजक बंध बनाए इन्होंने। तो नंबर 4 पे आपको क्या लिखना है, देखो नंबर 4 पहले पे तो हमने ऑक्सीकरण संख्या लिखी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा आयन का, दूसरे पे हमने देखा लिगेंड कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। तीसरे नंबर पे हमने उस यौगिक को देखा कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कहाँ है, और नंबर 4 पे हम देखेंगे कि संकरण, कि संकरण कौन सा आपको मिलेगा, संकरण कौन सा मिलेगा बताओ। डी में तो एक तो डी इस्तेमाल हो रहा है, एक एस और 2 पी, इतने ही तो कक्षक प्रयोग हो रहे हैं बेटे, DSP2। जब DSP2 संकरण है इसलिए DSP2 संकरण की आकृति बताओ कैसी सिखा रखी मैंने तुम्हें, आकृति कह दो या ज्यामिति कह दो, इसकी ज्यामिति सिखा रखी बेटे वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। तो इसकी आकृति होती है वर्ग समतलीय। और नंबर 5 पे हम बता देंगे चुंबकीय प्रकृति। अब मुझे यूं बताओ सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हैं या नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हैं यानी युग्मित हैं, तो आप लिखोगे चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, युग्मित माने जोड़ों में, इसलिए यह है कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, यह प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है बेटे, यह होगा बेटे प्रतिचुंबकीय। अब इस तरह तो हमने इसके आधे पार्ट को किया है, इन्होंने कहा था
समझाइए कि वर्ग समतलीय, देखो वर्ग समतलीय ही तो आई संरचना, संरचना वाला Ni(CN4-2) आयन प्रतिचुंबकीय है। हमने क्या करा, संयोजकता आबंध सिद्धांत लगाया और 5 पॉइंट में सिद्ध कर दिया कि कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हैं। यदि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में ना होते, उसमें एक या दो या तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते, तो वो कैसा होता बेटे, अनुचुंबकीय होता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका सेकंड पार्ट भी हमें सॉल्व करना है, ये वाला Ni(Cl4-2), इसे सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसा है, अनुचुंबकीय। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखेंगे बेटे हम Ni(Cl4-2) आयन, ये जो संकुल आयन है या जटिल आयन है या संकर आयन है या कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, आपको बता रखा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की, Ni की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे कितनी है, यहां लिख देंगे। मान लो Ni की ऑक्सीकरण संख्या x है और चार है वहां Cl-1 वाले, इज इक्वल टू लिखूंगा मैं -2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4 इज इक्वल टू -2, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और +4, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा +2, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आई है +2। ठीक है, अब आप लिखोगे निकिल का 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, SPDF में आपको लिखना है, SPDF में 28 को भरोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो आप लिखोगे Ni डबल पॉजिटिव। यहां से निकालना है बाहरी कक्षा, चौथी कक्षा में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s0 और 4 के p में भी 0। हम ये तीन को प्रयोग करेंगे सिर्फ, d में मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, s में 1 और p में 3 कक्षक। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, हमने नंबर एक पे तो लिख दिया निकिल की ऑक्सीकरण संख्या और उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखेंगे लिगेंड कौन सा है, सीएल नेगेटिव है। सीएल नेगेटिव आपको पता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, समझा रखिए मैंने आपको प्रबल और दुर्बल कौन कौन से हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और जब ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनों को बेटे युग्मित नहीं करेगा, बिल्कुल पक्की बात है, कहेगा कि जितनी जगह मुझे सरलता से प्राप्त हो रही है उतनी जगह ही मैं प्रयोग करूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा जगह खाली करवाने के लिए। अब देखेंगे कि किस तरह वो आएगा, Ni(Cl4)2-, कैसे आएगा, हमें देखने हैं सिर्फ में तीन कक्षक कौन कौन से, एक तो 3d8 देखना है उपकोष, एक देखना है 4s0 और एक 4p0। 3d 1 2 3 4 5, s एक कक्षक और p में 3 कक्षक। मुझे बताओ 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही तो भाई Cl ने इनका युग्मन थोड़ा ही करा इलेक्ट्रॉन का। अब क्या होगा बेटे, अब ये होगा कि ये जो आपके चार Cl आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर, एक तो यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ और एक जोड़ा यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आए बेटे ये भरने के लिए, तो मैं कहूंगा 4 Cl- या 4 Cl- ये आए हैं। तो अब मुझे जरा यूं देख लो, Cl के इलेक्ट्रॉन जहां जहां भरे हैं उसके हिसाब से आप मुझे संकरण बता सकते हो क्या है, बताओ संकरण क्या है। एक तो s में भरा है और 3 भरे हैं p में, तो sp3 संकरण होगा। और बेटे आपको पता है
SP3 संकरण की आकृति याद है कैसी होती है? सिखा रखा है आपको कि SP3 संकरण की आकृति होती है चतुष्फल की, चतुष्फल की आकृति होती है, ये बात आपको सिखा रखी है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में तो नहीं है, देखियो दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं यानी अनपेयर्ड हैं, इसलिए यह का मतलब यह संकुल आयन या संकर यौगिक कुछ भी कह दो आप, कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय तो हो नहीं सकता बेटे, यह अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और उस बच्चे के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे जो सीक्वेंस में स्टडी करता है, जिसका अध्ययन करने का एक निश्चित क्रम है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको किसी भी यूनिट को पढ़ना हो, शुरू से पढ़ना शुरू करो और एक एक वीडियो को देखते चले जाओ और एक निश्चित क्रम में देखो, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।